भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस विधायक ने मंत्री पद मांगा है। विधायक शशांक भार्गव ने मंत्री पद का दावा ठोका है। विदिशा से सीएम हाउस पहुंचे हैं। विधायक के समर्थक विदिशा से विधायक शशांक भार्गव यहां पर पहुंचे हैं। विदिशा में 40 साल बाद कांग्रेस जीती है। डीएसपी एसपी और निर्दलीय विधायक भी मांग चुके हैं मंत्री पद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से ये खबर है, जहां पर कांग्रेस विधायक ने मंत्री पद मांगा है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्या कुछ दावा कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जब भी मध्य प्रदेश में मंत्री पद के मंत्रिमंडल विस्तार की शुरुआत होती है और प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार और कांग्रेस में साफ दिखाई देता है। अब तक बीएसपी एसपी निर्दलीय विधायक ही मंत्री पद की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे थे, पर लेकिन पहली बार के कांग्रेस के विधायक जो है उन्होंने भी इस बार दावेदारी ठोकी है। शशांक भार्गव विदिशा से विधायक है और जो तर्क उनके समर्थकों के द्वारा दिया जा रहा है कि 40 साल के बाद विदिशा जो है वो कांग्रेस के खाते में आई है और इसका पूरा श्रेय शशांक भार्गव को जाता है, लिहाजा हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री निवास पर सीधे तौर पर उन्होंने मांग की है कि शशांक भार्गव को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, उनको मंत्री पद दिया जाए। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात भी इन कार्यकर्ताओं ने की और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास के बाहर फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं शशांक भार्गव को मंत्री पद की दिए जाने को लेकर। इससे पहले बात करें तो निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेना, इसके अलावा बीएसपी के विधायक एसपी के विधायक भी पूरे मांग को कर चुके थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में ये तय माना जा रहा था कि झाबुआ के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ऐसे में अपने अपने जो नेता हैं उनके समर्थक सक्रिय हो गए हैं। शशांक भार्गव दिग्विजय सिंह के खेमे से माने जाते हैं, लिहाजा दिग्विजय सिंह से मुलाकात उनके समर्थकों की और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर दिग्विजय सिंह खेमे से और ज्यादा मांग उठ सकती है, लिहाजा शशांक भार्गव के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उनके समर्थकों के द्वारा उस पर अब मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेंगे ये देखना होगा। पर लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। चलिए, तो प्रेशर पॉलिटिक्स ही कहेंगे इसे, जिस तरह से शशांक भार्गव ने मंत्री पद के लिए दावा ठोका। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए।